यहाँ से कुछ इस तरीके का नज़ारा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितनी सारी मच्छी है भाई साहब। मैं तो अभी एंटर कर चुके हैं अंदर, जो कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके का बोर्ड है, इसमें जाना है। आप लोग देख सकते हैं हम लोग फाइनली बैठ चुके हैं बोर्ड में। अभी वह तो और भाई लोग क्या चल रहा है, कैर जो चल रहा है तो चलते रहेगा, बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं हूं अना सागर पे और यहां पर भाई मैं गार्डन में हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का नज़ारा है पीछे का। और भाई यहां पर आने के लिए टिकट लगता है जो कि 25 रुपीज़ का एक टिकट पड़ता है। अगर आप लोग ज़्यादा जन रहेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा टिकट लेना पड़ेगा, जितने जन रहेंगे उतना टिकट आप लोगों को यहां पर लगने वाला है। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का गार्डन है पीछे। उसके बाद में यहां पर आप लोग देखेंगे तो इधर पर सागर है पूरा, उसके बाद में यहां पर बोर्डिंग भी है। देखते हैं हम लोग ट्राई करेंगे, क्या है हमारे बजट में रहेगा तो हम लोग बोर्डिंग भी ट्राई करेंगे ज़रूर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अना सागर में जो मच्छी है भाई बिल्कुल ऊपर ही है। अगर यहाँ पर आप लोग खाना वाना डालेंगे तो ये जितनी भी मच्छी यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है सब ऊपर आके खाना खाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और सुंदर नज़ारा रहता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का नज़ारा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं इधर पे पहाड़ी वहाड़ी है, उसके बाद में इधर इतना सागर है आप लोग देख सकते हैं जिसका नाम है अना सागर। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो बोर्डिंग वोडिंग का जो भी है भाई बोर्ड यहाँ पर लगी हुई है। आप लोग जाएंगे अभी, मैं जाता हूँ देखता हूँ कितने का क्या टिकट है। उसके बाद में ये साइड में देखेंगे तो भाई इधर पर आप लोगों को गार्डन देखने मिलेगा जो कि भाई बहुत बड़ा है। मतलब आप लोगों को मैं क्या बोलूँ, जैसा कि आप लोग जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक आप लोगों को गार्डन ही देखने मिलेगा। उसके बाद में इधर के साइड में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भाई आप लोगों को बोर्ड का देखने मिलेगा। उसके बाद में इधर सामने के साइड में गेट बना हुआ है, वहाँ पर भी जाऊँगा मैं, आप लोगों को दिखाऊँगा क्या है क्या नहीं। उसके बाद में बोर्ड तो आप लोग देख ही सकते हैं कितनी सारी है यहाँ पर। उसके बाद में मैं जाऊँगा देखूँगा कितने का क्या टिकट है, आप लोगों को बताऊँगा जो भी रहेगा। अगर हम लोग के बजट में रहता है भाई तो हम लोग ट्राई भी करेंगे, वो भी बताऊँगा कि कैसा लगा मुझे। देखेंगे तो यहाँ पर एक गेट बना हुआ है जो कि इस तरीके से है, मैं आप लोगों को जूम आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये गेट बना हुआ है जो कि यहाँ पर आप लोग फोटोशूट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो भाई इधर के साइड से आप लोग देखेंगे तो गार्डन कुछ इस तरीके का दिखेगा जो कि बहुत बड़ा है। अभी कैसा है ना भाई, पहले टिकट नहीं था लेकिन अभी अगर आप लोग आएंगे तो भाई आप लोगों को टिकट है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। उसके बाद में बोर्डिंग वोडिंग का यहाँ से रास्ता है तो जाते हैं देखते हैं। यहाँ से कुछ इस तरीके का नज़ारा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितनी सारी मच्छी है भाई साहब। मैं बोलने की क्या ज़रूरत है, आप लोग देख ही सकते हैं कितनी सारी है। उसके बाद में इधर से रास्ता, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने दो टिकट लिया, दो कि हम लोगों को 240 का पड़ा पर टिकट, 120 रुपये का यहाँ पर। और सामने जो ये वाला बोर्ड दिख रहा है इसका मिलेगा आप लोगों को 120 रुपये का पर टिकट। सो गाइस यहाँ पर आप लोग सामने देख सकते हैं हम लोग अभी एंटर कर चुके हैं अंदर, जो कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके का बोर्ड है, इसमें जाना है। अब इसमें खाली है कि नहीं क्या वाले, तो खाली ही नहीं है। तो देख सकते हैं हम लोग फाइनली बैठ चुके हैं बोर्ड में, अभी बोर्ड स्टार्ट होने वाली है, कुछ इस तरीके का नज़ारा है आप लोग देख सकते हैं। बोर्ड स्टार्ट होती है उसके बाद में मैं सब कुछ आप लोगों को बताता हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। Oh,
तो दोस्तों हम लोगों ने राइडिंग कर ली, बहुत मजा आया भाई। 120 रुपया पर टिकट पड़ा यार, कुछ ज़्यादा नहीं। अगर आप लोग भी कभी आते हैं तो यहाँ पर बोट राइडिंग जरूर करना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और क्या देखना है आप लोगों को कमेंट करना, मैं ज़रूर जाऊँगा आप लोगों के लिए, वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए, यार कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।